नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर का डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। बच्चों, थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर के हमारे पास दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे हैं। सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है वो है थ्री फेज टू सिंगल फेज हाफ वेव साइक्लो कन्वर्टर, और जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो है थ्री फेज टू सिंगल फेज ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर। बच्चों, आप हाफ वेव साइक्लो कन्वर्टर यानी मिड पॉइंट के रिस्पेक्ट में समझ सकते हैं, और ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर तो आप ऑलरेडी पढ़े ही हैं। तो आइए हम एक एक करके थ्री फेज में थ्री फेज टू सिंगल फेज हाफ वेव साइक्लो कन्वर्टर और ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर का चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे थ्री फेज टू सिंगल फेज हाफ वेव साइक्लो कन्वर्टर। बच्चों, नाम से आप कोरिलेट करिए, ये हाफ वेव अगर साइक्लो कन्वर्टर है तो यहाँ पे एक हमारे पास पॉजिटिव ग्रुप होगा थायरिस्टर के कॉम्बिनेशन का, और एक हमारे पास नेगेटिव ग्रुप होगा। इस पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप को आप यहाँ फिगर ए में देख सकते हैं कि कैसे पॉजिटिव ग्रुप और नेगेटिव ग्रुप हमारे सर्किट में कनेक्टेड है, और इन दोनों के मिड पॉइंट से मीन सेंटर पॉइंट से मैंने अपने सिंगल फेज एसी लोड को कनेक्ट किया है। क्योंकि ये थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर है, इसलिए बच्चों यहाँ पे लोड कौन सा होगा, सिंगल फेज होगा। जब हम थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर पढ़ेंगे तो वहां पे लोड मेरे पास सिंगल फेज नहीं बल्कि थ्री फेज होगा। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यानी न्यूट्रल वायर के बीच में मैंने अपने लोड और इस पॉजिटिव ग्रुप और नेगेटिव ग्रुप के थायरिस्टर्स को कंबाइंड कर दिया। यहाँ अगले फिगर में आप देख पा रहे होंगे डिटेल्ड में कि कैसे पॉजिटिव ग्रुप में मेरे पास पॉजिटिव कन्वर्टर्स कनेक्टेड है, नेगेटिव ग्रुप में मेरे पास नेगेटिव कन्वर्टर कनेक्टेड है। जैसे तीन तीन रेक्टिफायर्स का हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिया पॉजिटिव के लिए और साथ में नेगेटिव के लिए, और दोनों के सेंटर में क्या कनेक्टेड है बच्चों, न्यूट्रल वायर पॉइंट से क्या कनेक्टेड है, लोड कनेक्टेड है। अब यहाँ आप देखिएगा पॉजिटिव कन्वर्टर से पॉजिटिव करंट जाएगा, मैंने जिसे आईडी पॉजिटिव करंट बोल दिया, नेगेटिव कन्वर्टर से नेगेटिव करंट जाएगा जैसे मैंने माइनस का आईडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कन्वर्टर हैं, दोनों वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं, और उनकी जो पोलैरिटी होगी पॉजिटिव पोलर जो कन्वर्टर होगा उसकी जो पोलैरिटी होगी सिर्फ पॉजिटिव करंट देगा, और जो नेगेटिव कन्वर्टर होगा जो उसकी पोलैरिटी होगी वो सिर्फ नेगेटिव करंट देगा। तो यहाँ पे सिंगल फेज थ्री फेज टू सिंगल फेज हाफ वेव साइक्लो कन्वर्टर में आप देखेंगे कि यहाँ फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन दो प्रकार के होंगे। बच्चों, आप यहाँ फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन को दो ऑपरेशन से समझ सकते हैं, जैसे रेक्टिफिकेशन मोड ऑफ ऑपरेशन और इन्वर्जन मोड ऑफ ऑपरेशन। तो रेक्टिफिकेशन मोड ऑफ ऑपरेशन कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है बच्चों, तो वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट जहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव होते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट जहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों नेगेटिव होते हैं। सिमिलरली बच्चों, जो इन्वर्जन मोड होता है, इन्वर्टर वाला मोड होता है, वो होता है सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में वोल्टेज पॉजिटिव होगा, करंट नेगेटिव होगा, और फोर्थ में वोल्टेज नेगेटिव होगा, करंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि ये जो साइक्लो कन्वर्टर है ये चारों क्वाड्रेंट में ऑपरेट होता है। अब आप यहाँ पे इस थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर का वेवफॉर्म देख लीजिए। इस थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर का आउटपुट इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म बना रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए, हमने थ्री फेज सप्लाई को यूज किया। इस थ्री फेज सप्लाई में मैंने डिफरेंट डिफरेंट एंगल यानी अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री, अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री, अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, हमने अलग अलग वैल्यूज पे यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री पे हमने यहाँ पे फायरिंग किया। अब सबसे पहले फायरिंग की हम बात करते हैं अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री, जैसे 30 डिग्री पे अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, जैसे अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री पे फायरिंग मैंने किया, वहां से इन्वर्जन मोड स्टार्ट हुआ, और उस इन्वर्जन मोड में मुझे लोड पावर फैक्टर एंगल जो मिला उसमें करंट की वैल्यू में देख रहा हूँ बढ़ते हुए मिल रही है। फिर रेक्टिफिकेशन मोड स्टार्ट हो रहा है बच्चों, और रेक्टिफिकेशन मोड में मैं देख रहा हूँ जो करंट है पॉजिटिव ग्रुप का वो बढ़ते हुए मिल रहा है, और फिर मैक्सिमा पे जा रहा है, और मैक्सिमा में जाने के बाद फिर से डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होने के लिए यहाँ पे इन्वर्जन मोड स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से एक बार इंक्रीज हो रहा है, एक बार डिक्रीज हो रहा है, तो मल्टीपल जो साइकिल्स हैं हमारे पास यानी बहुत सारे साइकिल्स हैं थ्री फेज में, उस मल्टीपल साइकिल्स को हमने सिंगल साइकिल में कन्वर्ट कर दिया
यानी हमने सप्लाई जो वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी था थ्री फेज का, उसको हमने आउटपुट वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी में रिड्यूस कर दिया, तो ये एक स्टेप डाउन हाफ वेव थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर का वेवफॉर्म है। वेवफॉर्म थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आई होप आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब आइए हम थ्री फेज टू सिंगल फेज ब्रिज कन्वर्टर की बात करते हैं। ये ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर में एक पॉजिटिव ग्रुप होगा, एक नेगेटिव ग्रुप ऑफ कन्वर्टर होगा, जहां पे सिक्स पेयर ऑफ थायरिस्टर्स पॉजिटिव ग्रुप में होंगे, सिक्स पेयर ऑफ थायरिस्टर्स नेगेटिव ग्रुप में होंगे। अब चूंकि ये थ्री फेज है तो स्वाभाविक है यहाँ मैं थ्री फेज सप्लाई दूंगा और लोड मेरा सिंगल फेज होगा, क्योंकि मैं थ्री फेज टू सिंगल फेज कन्वर्जन कर रहा हूँ। लोड बच्चों में आर ले सकता हूँ, आर एल ले सकता हूँ, एबीसी यानी आर वाई बी या एबीसी मैंने यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज दे दिया थ्री फेज को, पॉजिटिव कन्वर्टर को भी दिया और नेगेटिव कन्वर्टर को दिया। जो पॉजिटिव कन्वर्टर को मैंने दिया उसके वजह से पॉजिटिव करंट जाएगा लोड में, और जो नेगेटिव कन्वर्टर को दिया उसके वजह से नेगेटिव करंट जाएगा लोड में। तो ये एक ब्रिज कन्वर्टर का, ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर का थ्री फेज टू हाफ वेव सर्किट डायग्राम है। बाकी इसका वेवफॉर्म भी सेम वैसे ही बनेगा कि जैसा हमने मिड पॉइंट या फिर हाफ वेव का बनाया था, बस अंतर यही है यहाँ पे मल्टीपल पेयर ऑफ थायरिस्टर्स एक साथ ऑपरेट होते हैं और वहां पे सिंगल पेयर ऑफ थायरिस्टर्स हम यूज कर रहे थे। तो आई होप आपको थ्री फेज टू सिंगल फेज हाफ वेव और ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर का बेसिक वर्किंग और सर्किट डायग्राम एनालिसिस समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।